हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली दरबार रोड, जो कि गोंडा विधानसभा के क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि गोंडा विधानसभा विधायक आज यहाँ पर जो सड़क बनी है उसका जायजा लेने यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा जो इसमें सीवर लाइन डली है उस सीवर लाइन का जायजा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ की जनता से जानने की कि कोई उन्हें परेशानी तो नहीं है। जो यहाँ पर सड़क बनी है और जो सीवर के ढक्कन है उन्हें चेक किया जा रहा है, कोई ढक्कन ऊंचा नीचा तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुद विधायक अजय महावर जी आज दौरा करने यहाँ पर जनता के बीच पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि वो बाकायदा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। लोग यहाँ पर समस्याएं बता भी रहे हैं उनको, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है, वो सारी समस्याएं वो लोग बता रहे हैं। यहाँ पर जल बोर्ड के अधिकारी इस दौरे में उनके साथ हैं और संबंधित जो कि सफाई कर्मचारी हैं, स्वच्छता विभाग के जो कर्मचारी हैं और साथ ही जल बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी उनके साथ हैं इस दौरे में। वो पूरी तरह से इस दौरे से ये जानना चाह रहे हैं कि कोई उनके इलाके की, उनकी विधानसभा की जनता को किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाले की समस्या लोग बता रहे हैं कि यहाँ नाले की दिक्कत है और जिस तरह से बात हो रही है अधिकारी साथ हैं उनके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारी साथ हैं उनके और वो पूरी जानकारी ले रहे हैं और पूरी जो जनता ने समस्या बताई उन समस्याओं को अधिकारियों को से अवगत करा रहे हैं ताकि वो जल्दी ही समस्या ख़त्म हो जाए और यहाँ की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ सड़क का जो निर्माण चल रहा है आपको मैं तब फिर बताना चाहूँगा। यहाँ पर स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि ये जो सड़क आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे मैं दिखाना चाहूँगा, ये बिना बनी सड़क है अभी, क्योंकि ये सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है तो इसका भी वो पूरी तरह जायजा ले रहे हैं। जो सड़क अधूरी पड़ी है उसको जल्द पूरा किया जाए और ताकि यहाँ की जनता को कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि सारी सड़क आपको दिखाई दे रही होगी ऊबड़ खाबड़ है, पीछे से बनती हुई आ रही है सड़क, लेकिन यहाँ पर आके अभी नहीं बन पाई है। ये यहाँ काम शुरू है, अभी चालू है ये सड़क और इनकी विधानसभा जहाँ तक लगती है वहाँ तक ये सड़क पूरी तरह से जल्दी ही बनकर तैयार होगी। जिस तरह से काम चल रहा है उससे आप साफ देख सकते हैं कि यह जो सड़क है ये बनाई जा रही है और इस सड़क से कोई दिक्कत ना हो, इस सड़क में कोई परेशानी ना हो स्थानीय निवासियों को। कहीं ऐसा होता है कहीं ऊंची बन जाती है, कहीं नीची बन जाती है, इस तरह की भी समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं को यहाँ लोगों से पूछ रहे हैं। साथ गोंडा विधानसभा विधायक अजय महावर जी हैं जो कि ये दौरा कर रहे हैं। आइए जानते हैं विधायक जी बात करें, इस तरह देखा जा रहा है ये दौरा जो किया है क्या दिक्कतें हुई, किस लिए दौरा रखा गया था? असल में यहाँ पर हमने सड़क बनवाई MCDG की और एक तो 18 नंबर गली तक सड़क बनी और 20 नंबर गली तक हमारा लगता है। अब ये था कि मेन रोड ये बाबरपुर में है या गोंडा में है, इसको लेकर बड़ी लड़ाई रहती है। अंदर की तो 20 नंबर तक गोंडा में है और एक साइड बाबरपुर में है, तो उसके कारण ये जो छोटा सा ये पैच है लगभग 100-200 मीटर का, इसमें लगातार दिक्कतें रहती थी और ये सौतेले बेटे की तरह कभी इस बाप का कभी उस बाप का ऐसे चलता था। लेकिन हमने इसको आज सोल्यूशन कर दिया है, हम 20 नंबर तक गली और नाला दोनों बना रहे हैं, ये हमने यहाँ पर सुनिश्चित किया। यहाँ के लोग आए थे उसका आज सोल्यूशन कर दिया है। दूसरा, सीवर के जो ढक्कन थे तो पुराने ढक्कन जो लगे हुए थे वो वेट नहीं ले पा रहे थे, वो भारी वाहनों को झेल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण नई सड़क पर भी डैमेज होने का नुकसान था। तो आज मैंने निर्देश दे दिए हैं, मेरे साथ जल बोर्ड के भी अधिकारी हैं, MCDG के भी अधिकारी हैं, उन सबको निर्देश दे दिए हैं कि वो जल्द से जल्द वो ढक्कन अगले 5 दिन के अंदर इस रोड के हर ढक्कन सीवर के बदल जाएंगे और वेटेड अच्छे क्वालिटी के ढक्कन आएंगे जिसमें कि बड़ी से बड़ी हैवी व्हीकल भी गुजर सके। इसके अलावा थोड़ा सा पानी का कहीं कहीं निकास की दिक्कत थी, उसके लिए भी हमने JE को बुला करके सारे पॉइंट्स दिखा दिए हैं, हर जगह निकास का एक प्रॉपर साधन बना रहे हैं। अब ये रोड रबर फैक्ट्री रोड जब आप आने वाले दिनों में आएंगे तो ना तो जल भराव की समस्या होगी, ना सीवरेज की कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही जो सड़कें
दुभात के कारण बच रही थी वो बची रहेंगी। सारे काम पूर्ण और अच्छे रूप से यहाँ पर हो जाएंगे, इसी के लिए आज ये दोहरा अधिकारी के साथ यहाँ रखा था। मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता भी हैं बहुत अच्छी संख्या में, इन सब का भी साधुवाद है। ये सब लोग मेहनत करते हैं, ध्यान रखते हैं, पब्लिक की जनता की सेवा में यहाँ दिन रात लगे रहते हैं और ये जो काम कहते हैं हम उसे पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और जो लोग हैं स्थानीय निवासी भी हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं। जिस तरह से अभी विधायक साहब ने बताया कि सौतेले व्यवहार के कारण कुछ मीटर का दायरा यहाँ पर सड़क का बच जाता था जिसकी वजह से यहाँ लोगों को दिक्कत होती थी। महेश जी बात करें, अब जो ये समस्या थी, क्योंकि बड़ी समस्या है ये कि कुछ इलाका छोड़ देना, कुछ बना देना पूरी सड़क जबकि एक है, तो क्या कहना चाहेंगे? अपने बीच में दंगे हो गए, फिर ये कॉल लॉकडाउन हो गया, इसके कारण ये 20 नंबर तक यहाँ तक की सड़क रह गई थी। उससे पहले विधायक जी ने ये सड़क बनवा दी थी। आज इसी के लिए दौरा है, हमारी समस्या है कि ये जल भराव ना हो और ये नाला गोपाल राय जी दूसरी विधानसभा में आता है, हम चाहते हैं कि ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। ये हमारी तरफ से बनना था, रह गया था और ये सड़क यहाँ तक हम बनवा ही रहे हैं। हमारे साथ यहाँ RWA अध्यक्ष भी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं कि अर्जुन जी बात करें, जिससे देखा जाता है कि ये बड़ी बात थी कि जो कुछ सड़क सीमाओं के विवाद में यहाँ रह जाती थी, इस सड़क के समाधान के लिए जो विधायक जी ने दौरा किया है, आपने क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसके लिए हम विधायक जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। विधायक जी ने मीटिंग बुलाई, सारे JEE को बुलाया वहाँ पर और उनसे सख्त निर्देश दे दिया कि ये मेरे को जहाँ तक मेरा विधानसभा का बॉर्डर है वहाँ तक मुझे रोड भी चाहिए, नाला भी चाहिए पक्का, तो उस पर काम हो रहा है। और मैं निगम कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, विधायक जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो विवाद से ये उठकर काम हो रहा है। तो क्या कारण था, क्यों इस पर विवाद रहता था? विवाद का कारण था ये इधर बाबरपुर विधानसभा, इधर गोंडा विधानसभा, यही फंसी रहती थी आपस में। तो अभी हमने विवाद विधायक जी ने सुलझा दिया, हम बाबरपुर का भी काम कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं। और कोई समस्या आपके इलाके की जो विधायक जी से आपने शेयर करी है जिसका समाधान करा रहे हैं? देखो, कोई ऐसी समस्या तो है नहीं, सफाई की समस्या वो अपने आप हल हो रही है, सारे अपने बाद बताएं क्या दिक्कत थी जो अभी विधायक जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विधायक जी आए हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी, तो जो और बाकी जो अब वो बना रहे हैं सड़क को, तो वो यहाँ तक जो इन्होंने छोड़ दी थी वहाँ तक बनाई थी जो है ट्रांसफार्म तक, उसके बाद में अब यहाँ तक बना रहे हैं वो, तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी। तो और बाकी इधर की जो विधानसभा है उनका ही काम जो है थोड़ा ढीला है, क्योंकि ये नाले इधर की सड़क जो पूरी ऐसे ही पड़ी हुई है, उधर से कोई रेखा त्यागी जी हैं वो भी नहीं मतलब आते कभी नज़र, साफ़ सफाई में वैसे भी कोई दिखाई नहीं देता उनके बारे में। तो कौन सी विधानसभा लगती है इससे आगे? इधर तो बाबरपुर लगती है कि जो गोपाल राय, हाँ वो लगती है। कब से नहीं बनी है ये सड़क? ये तो अभी 5-6 महीने हुए हैं जब से जो ये डाल दिए थे ऊपर, डाबर डाल दी थी बस, उससे पहले तो बनी ही नहीं है। उससे पहले बनी थी, 5-6 साल पहले बनी थी। ये हम बता रहा हूँ कि हमारे ये प्यारे लाल जी पंडित जी थे, वो एक्सपायर हो गए, तो वही जब उस टाइम में बनी थी उससे भी एक्सपायर हुए 5-6 साल हो गए, उससे एक साल पहले बनी थी। उसके बाद में ये अब थोड़ा सा, अब ये चुनाव से पहले थोड़ी सी डाबर डाल दिया है बस, उसके बाद में ये फिर ये हालत हो रही है कि उससे पहले बनी नहीं है। हमारे साथ और भी यहाँ के लोग मौजूद हैं, जानते हैं क्या कहना चाहें? बस ये रोड तो बनी नहीं रहा बिल्कुल भी, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, पानी भरा रहता है पूरा, कभी भी बारिश हो जब आके देख लो, कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो दोनों विधानसभाएं, कौन कौन सी विधानसभाएं जो सीमा लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? गोंडा विधानसभा की है और बाबरपुर विधानसभा की है, तो दोनों में यही रहता है कि भाई ये उधर वाले इधर बनाएंगे, इधर वाले इधर बनाएंगे, बनती कोई नहीं है इधर। बाबरपुर वाली तो बिल्कुल बनती नहीं है, गोंडा वाली फिर भी बन रही है। तो चलिए, जिस तरह से यहाँ आज दौरा किया गया था, उस दौरे का जो मेन मकसद विधायक जी के अनुसार, यहाँ की जनता के अनुसार सबसे बड़ा ये था कि यहाँ दो विधानसभाओं की सीमा लगती है और कुछ मीटर का टुकड़ा यहाँ पर बच जाता था सीमा विवाद के कारण, लेकिन अजय महावर ने उस सीमा विवाद को ख़त्म कर दिया है और जहाँ तक जनता ने बताया कि यहाँ तक गोंडा विधानसभा लगती है वहाँ तक उस सड़क को बनाने का निर्णय लिया गया है और वो अधूरी सड़क जल्दी ही पूरी हो जाएगी। जो सीवर की समस्या थी, जिस तरह से ढक्कन के बारे में बताया था, कमज़ोर ढक्कन थे, हादसा होने का डर था, वो ढक्कन भी बदले जा रहे हैं और नए सीवर के ढक्कन यहाँ लगाए जाएंगे जिससे कि यहाँ की जनता को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें यहाँ पर जो सड़क है उस सड़क की समस्या ख़त्म हो जाए। तो ये सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर खुद विधायक ने आके किया है यहाँ की जनता के माध्यम से। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।